खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है बीजेपी, गोपनीय तरीके से सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहा है सर्वेक्षण। सांसदों की छवि, जनता में उपलब्धता समेत कई बिंदु हैं इसमें शामिल। तो वहीं पीएम ने भाजपा की संसदीय दल की बैठक में दी थी नसीहत, और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा फैसला टिकट वितरण को लेकर के। तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा आगामी लोकसभा चुनाव में फैसला। आपका रिपोर्ट कार्ड ही अब सब कुछ है कि जनता के बीच आपकी कितनी स्वीकार्यता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संदीप खेर। संदीप, अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो अब रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं अब दिखाएगा कि क्या कुछ आगे किस तरीके से अब जनता के बीच आपकी स्वीकार्यता, या यूं कहें कि किस तरीके से एक ब्रिज का काम करा, अब सब कुछ रिपोर्ट कार्ड पर ही निर्भर कर रहा है। बिल्कुल, देखिए आलोक, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सभी को पता है कि एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में वो लग जाती है। अब देखिए, सभी को पता है कि हाल फिलहाल में निकाय चुनाव भी होने और उसी के साथ साथ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए इस तरीके से गोपनीय तरीके से इसके पहले भी कई बार वो सांसदों की एक जांच करवा चुकी है कि ये सांसद जो हैं अपने जिलों में, अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में कितना जाते हैं, इनकी जनता के बीच में पैठ कैसी है, और उसी के साथ साथ इनकी लोकप्रियता कितनी है, यानी जनता के लोग अपने सांसद को कितना स्नेह देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, इसको लेकर एक गोपनीय तरीके से एक पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कराई जा रही थी। मतलब ये कहा जाए कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जा रहा था कि सांसद ने अपने क्षेत्र में कितने काम किए हैं। अब इसको लेकर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि सभी सांसदों को जमीनी स्तर पर रहना होगा, हवाई यात्राओं को छोड़कर जमीनी, यानी हवाई यात्राओं से उनका ये मतलब था कि बातों को छोड़कर उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के बीच में काम करना होगा। और देखिए, एकाएक ये नहीं हो रहा है, इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के पास भी पहुंची थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संसदीय बैठक में इस बात का जिक्र किया था कि सभी सांसदों को अपने बीच में जाना होगा, उनको अपने बिल्कुल संदीप के, और ये बात लगातार प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि अब अपने एसी रूम से बाहर निकल करके आपको जनता के बीच जाना है। मुख्यमंत्री भी इस चीज को लगातार कह चुके हैं। लेकिन अब बड़ी बात है कि कवायद जिस तरीके से जारी है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया जा रहा है, सवाल अब मिशन 80 का है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आलोक, मिशन जो है वो 80 सीटों पर कमल खिलाने का है। यानी भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सभी सीटें हमारे पास हो। हालांकि अगर पहले की बात करते हैं तो 64 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 उनके सहयोगी दल के पास थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इनके सांसद जिस तरीके से लोगों के बीच में जाएं, अपनी योजनाओं को बताएं, वो चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हो और उसी के साथ साथ जो भी अन्य योजनाएं हो। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि किसी का भी टिकट काटा जा सकता है और इसमें किसी भी तरीके की जोर आजमाइश यानी सिफारिश नहीं चलेगी। अगर आप लोगों ने अपना काम किया होगा तो रिपोर्ट कार्ड जिस तरीके से आपके आधार पर बनाया गया होगा उसी आधार पर आप लोगों को टिकट मिलेगी, अन्यथा टिकट को काटने में पार्टी किसी भी तरीके से परहेज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, यानी कि रिपोर्ट कार्ड ही आपका सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, इस तमाम सारी